नई साल है, नई सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, लेकिन जो दौर है वो अलग ही ट्रेंड चल रहा है यहाँ राजस्थान के जयपुर में, प्रदेश की राजधानी जयपुर में, वो दौर है धरनों का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हाल फिलहाल हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज़्यादा धरने लगातार चल रहे हैं, अनवरत हैं। महिला और युवा वर्ग जो है विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़ा हुआ है। ये तमाम अभ्यर्थी हैं वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल वन के अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्ति की मांग को लेकर देखिए धरनेबाजी के माध्यम से नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पे साफ साफ उनका कहना है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिली तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। महाधिवक्ता एजी से पैरवी करवाने की यहाँ पे मांग रखी गई है। वहीं पे जो चरित्रों को नियुक्ति दो, यथाशक्ति बहाल करो के नारे यहाँ पे काबिज किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी जुड़ी हैं, मास्क उठा लेंगी थोड़ा सा आप। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता है, मैं टोंक से आई हूँ। सर हमें 14 दिन हो गए नियुक्ति की मांग को लेकर के, 13 को हमारी सुनवाई है, तो सरकार से यही निवेदन है कि 13 को होने वाली सुनवाई में एजी से मजबूती के साथ में पैरवी करवा करके 13 को हमारी यथाई स्थिति हटवाई, नहीं तो ये जो भी आप युवा देख रहे हैं ये उग्र आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं। ये वो युवा है जो सरकार बना भी सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, तो सरकार से यही निवेदन है हमारा कि हमें नियुक्ति दी जाए। देखिए यहाँ पे सरकार की जो मंशा है वो भांप ली गई है, सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे विपक्ष में बैठे हुए वो यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगी मैडम आप? जी सर, हम मैं मुकेश मीणा गंगापुर सिटी से हूँ। सर हम बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, मेरे दो बच्चों को छोड़ के बैठी हूँ, तो फिर वैसे तो सरकार बोलती है महिला सुरक्षा की बात करती है, यहाँ पर हम 14 दिन से धरना दे रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा का क्या, किसका दायित्व है? यदि कुछ हो जाता है हमारे साथ, कोई मिसअप नहीं हो जाती, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? क्या सरकार आएगी? क्या हमारे फैमिली की हमारी भरपाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और बाकी हमारे साथ वालों ने वही एग्जाम क्लियर किया, उनको पोस्ट ज्वाइनिंग दे दी, हमें नहीं दी, क्यों भाई? हमें क्या, हमारा क्या कसूर है? हमें स्कूल आवंटन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और वैसे ही दिखा रखा है कि भाई इतने लोगों को हमने नियुक्ति दे दी, लेकिन नियुक्ति दी नहीं है। अभी अधिकारियों की लापरवाही है, इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं एजी से मजबूती से हमारी पैरवी करवाए और यथास्थिति को हमारी बहाल करवाए। मैडम देखिए आज कई दिन हो चुके हैं आपको धरने पे बैठे हुए, लेकिन सुरक्षा की बात कर ले, महिला सुरक्षा की बात कर ले, यहाँ पे एक लेडीज कॉन्स्टेबल भी नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्या सुरक्षा है हमारी? कुछ सुरक्षा नहीं है, हम ऐसे सड़कों पे पड़े हैं, हमारे अगर घर वालों को पता चले कि सड़कों पे पड़ी है, और हम किस लिए पड़े हैं? इसीलिए कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, पर गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो क्या सुरक्षा? सुरक्षा हमारी कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही राम हवाले पड़े हैं हम, तो ये लगा लो। राम राज्य की सरकार कही जाती है, ये कह तो रहे हैं राम राज्य की सरकार है, पर हमें नहीं लगता कुछ नहीं है। कैसे नहीं लगता? कोई सुरक्षा ही नहीं है किसी की, कोई सुनता ही नहीं है किसी की, राम राज्य सरकार क्या है फिर? मैडम क्या कहेंगे आप? सर कहें तो क्या, देखो हमारी हालत देखो, 14 दिनों से यहाँ लड़कियाँ ऐसे बैठी है, कोई सुरक्षा है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरफ जहाँ आप कहते हो कि हम लड़कियों के लिए सरकार ये योजनाएं चलाती है कि हम किसी की बेटी नहीं है, क्या सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है? तो हमारे लिए भी कुछ करो, आज हम इतने दिनों से परेशान हो रखे हैं सर, क्यों नहीं मांग पहुँच रही, हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? क्यों हम किसी की बेटी नहीं है क्या? उनकी क्या घर पे बेटियां नहीं है क्या? मानो तो सब एक जैसी है, फिर हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? हमने कोई फ्री में तो किसी से कुछ मांगा नहीं है, कंपटीशन किया है, पेपर फाइट किया है, तो हमें ज्वाइनिंग चाहिए सर। बेटियां हैं, सबकी बेटियों का नाम लिया है आपने, तो आप रामनाथ जी की सरकार कही जाती है, जो महिला वर्ग है उसको लेकर हमेशा संवेदनशीलता बढ़ती जाती है सरकार में, हाल फिलहाल आप सड़कों पर, क्या कहेंगे आप? देखो सर, माने तो सब बेटियां एक जैसी होती है, कोई किसी फील्ड में काम कर रही है, कोई किसी फील्ड में काम कर रही है, तो हमने भी जो काम किया है, हमने सिलेक्शन लिया है, तो हमने सरकार की सेवा करने के लिए किया है ना, तो फिर क्यों नहीं मांग हमारी पूरी हो रही? हमें नियुक्ति चाहिए। देखिए नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार यहाँ पे जो दावे किए जाते हैं वो यहाँ पे मैं बुलंद होते जा रहे हैं। अब हाल फिलहाल की सरकार जो है वो तय नहीं कर पा रही कि इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। मैडम क्या कहेंगे आप, तमाम 14 दिन हैं आपको बैठे हैं यहाँ पे, एक महिला के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती का काम हो जाता है।
चुनौती का भी बहुत बड़ा काम है। और जो जैसा कि आप बोल रही है राम राज है, मुझे नहीं लगता ये राम राज है, मुझे तो ये रावण राज लग रहा है। मैं 14 दिन से यहाँ हूँ, मेरा बच्चा अकेला घर है और मैं विडो पेरेंट हूँ, और विडो के होते हुए मैं यहाँ हूँ ना, मेरे लिए सबसे बड़ा ये वो है कि आज मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा ये सारा काम हो गया, कोई गलती नहीं है हमारी, फिर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कोई नारी को कोई सम्मान दिया जा रहा है, हमें तो वैसे ही समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है। और अपने बच्चे को 14 दिन से मैं छोड़कर यहाँ पड़ी हुई हूँ, और अब रोज़ वो बोलता है मम्मा कब वापस आओगे, तो मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या होगा। तो मुझे तो यही कि हमें ज्वाइनिंग दिलाई जाए, बाकी और कुछ भी नहीं, बस और नहीं लग रहा है मुझे ये राम राज है, ये सिर्फ रावण राज है बस, और कुछ नहीं। राम राज की सरकार कही जाती है लेकिन महिला बेटी है रावण राज का, इन्होंने कह दिया कि राम राज की सरकार नहीं, रावण राज की सरकार है। जो महिला और युवा वर्ग है वो लगातार सड़कों पर बैठा है। आपने यथास्थिति बहाल करो कि ये नाम से एक स्लोगन लिखने की तख्ती ले रखी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी खुद भी कैटेगरी से हूँ, जैसा कि इन दीदी ने बोला है राम राज नहीं है रावण राज है, ये सही है, बिल्कुल सही बोल रही है ये दीदी, क्योंकि मैं विडो कैटेगरी से हूँ। मेरे दो बच्चे, मैं उनके छोड़ के यहाँ 14 दिन से यही हूँ मैं, और मेरी स्थिति ऐसी है ना, मैं यहाँ आने का किराया भी उधार लेके आई हूँ मैं, और घर वाले भी परेशान करते हैं, और ये सरकार भी हमें परेशान कर रही है, कैसे अधिकारी है, कैसा कैसी सरकार है ये। और मैं हमारी मांग है, क्वेश्चन ये है कि हम विडो हैं, और विडो को कैसे रहा जाता है ना हमारे समाज में, ये सिर्फ ये कहने का है, पर ये खोखला समाज है बस। हमारी स्थिति क्या है हम ही जानते हैं घर पे, तो हमारी मांग यही है कि 13 तारीख को ये जिसे पैरवी करवा के हमें नियुक्ति दिलवाए, न्याय दिलाया जाए। विडो होना भी हमारे लिए श्राप बन चुका है, पहले इतना सारा कलंक, हाँ सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है, और अभी जब सब कुछ हो गया है, सारे स्कूल अलॉट हो गए, हमारा बच्चा घर अकेले है, और पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, फिर भी सिर्फ यही कि एक दिन तो ज्वाइनिंग होगा, पर समझ नहीं आ रहा सर क्या होगा, और सबका हमें ही सुनना पड़ रहा है। विडो महिला है, अभ्यर्थी है, उसकी जो पीड़ा है उसने कैमरे के सामने बयान कर दी है। हालात बहुत बिगड़ रहे हैं राजस्थान के जयपुर प्रदेश की राजधानी कही जाती है, लेकिन यहाँ पे तमाम जो कदावर नेता हैं वो बैठे हैं, मुख्यमंत्री CM बैठते हैं, भजनलाल शर्मा बैठते हैं, लेकिन हाल फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो जस के तस हैं, मस्ती मस्त हैं, क्या कहेंगे आप? हमको 14 दिन यहाँ सड़क पे बैठे हुए हो गए तो सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे, तो हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जब 21,000 को नियुक्ति दे दी तो हम 5,000 का क्या कसूर है, हमारी AG साहब से पैरवी करा के यथास्थिति को बहाल कराए और हमें नियुक्ति दे। नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार जो है अभ्यर्थी यहाँ पे धरनारत हैं, धरने दे रहे हैं, इन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर जाकर अरदास भी की है, अंतिम जो अरदास वहाँ पे जो भगवान का दर है वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन हाल फिलहाल हालात जस के तस हैं। सबसे बड़ी बात ये कि तमाम जो युवा और महिला वर्ग है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, 1.5 से 2 महीना सरकार को बने हो गया है, लेकिन हालात उससे पहले से सरकार के उससे बदतर नज़र आ रहे हैं हमारे पास। मैडम क्या कहेंगे देखो 14 दिन आज? सर मैं यही कहूंगी कि 13 तारीख को हमारी सुनवाई है, तो सरकार से यही गुहार की हमारे AG साहब से पैरवी करवा के हमें ज्वाइनिंग दिलवा दे, क्योंकि सर आज 15 दिन हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी घर वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, इतने दिन हो गए तेरे साथ खेते वो तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तेरे को क्यों नहीं मिली, क्या हो गया, तुम्हारी डिग्रियाँ शायद फर्जी हो सकती है इसलिए तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो सर हमारी बस यही गुहार है सरकार से, हमें कैसे भी करके बस ज्वाइनिंग दे दें, हमारी 13 तारीख को पैरवी करवा के हमें ज्वाइनिंग दे दें। देखिए यहाँ पे तमाम युवा अभ्यर्थी हैं, महिला वर्ग ज़्यादा है, अच्छी संख्या में है, लेकिन उनकी जो पीड़ा है वो कोई सुनने वाला नहीं है। शुरुआत में जब यहाँ पे धरने पे बैठे थे ये, तो उनका एक मानस था कि कैसे भी शांतिपूर्ण धरने के कारण से माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे, उस बात को वहाँ पे सरकार तक पहुँचाने के बाद शायद सरकार उनकी बात मानेगी और उनकी नियुक्ति देगी, लेकिन हाल फिलहाल 14 दिन बीत जाने के बाद भी वो के हालात जिसके तहत सड़कों पर महिला और अभ्यर्थी हैं खुले में आसमान के तले सोने मजबूर हो रहे हैं, सुविधाओं का टोटा है, बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो, धूप हो या फिर अन्य प्रकार की मुसीबतें हैं, वो यहाँ पे इनका साथ नहीं छोड़ रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों कहाँ तक मानती है, क्या इनको नियुक्ति देकर इनको घर राजखुशी भेजती है या फिर ये धरना पर ऐसे अड़िग रहेंगे। सभी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।